नमस्कार मेरे साथियों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज हम एनटीएससी की परीक्षा के एक बहुत ही सरल विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है डायरेक्शंस एंड ओरिएंटेशन, या दिशा निर्देश और आदेश। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें कुछ गुण याद रखने होंगे, जो आपकी सहायता के लिए मैंने अगली स्लाइड में लिख दिए हैं। मित्रों, दिशा निर्देश और आदेश के प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें बस तीन गुण याद रखने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला गुण ये है कि हमें सारी दिशाएं आनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि नॉर्थ दिशा को हम उत्तर कहते हैं, ईस्ट को हम पूर्व कहते हैं, साउथ को हम दक्षिण कहते हैं और वेस्ट को हम पश्चिम दिशा कहते हैं। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है, हम उसे उत्तर पूर्वी दिशा कहते हैं। साउथ ईस्ट दिशा जो होती है, हम उसे दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। साउथ वेस्ट दिशा को हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं और नॉर्थ वेस्ट दिशा को हम पश्चिम उत्तरीय कहते हैं। अब अगर आप इस चित्र को देखें तो इसके पास आपको दिखेंगे कि दो रास्ते हैं। तो हमारा दूसरा गुण यहाँ पे आता है कि आपको बाईं ओर दाईं ओर पता होनी चाहिए। तो अगर यही आदमी उत्तर की ओर देख रहा होगा तो इसका जो दाईं ओर होगा वो पूर्व दिशा में जाएगा और इसका जो बाईं ओर होगा वो पश्चिम दिशा में जाएगा। ऐसे ही अगर यही आदमी पूर्व की तरह देख रहा होगा तो इसका दाईं ओर जो होगा वो दक्षिण दिशा में होगा और इसका जो बाईं ओर होगा वो उत्तर दिशा में होगा। तो ऐसे ही मैंने इसके सारे जो है लिख दिए हैं। इसके बाद हमें क्लॉकवाइज दिशा के बारे में पता होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज दिशा हमारी दक्षिणावर्त दिशा होती है। तो अगर यह आदमी उत्तर की ओर देख रहा होता, फिर ये पूर्व की ओर मुड़ता, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता, पश्चिम की ओर मुड़ता, फिर से उत्तर की ओर आ जाता, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात करें तो इसे हम वामावर्त कहते हैं। तो अगर ये आदमी उत्तर से पश्चिम की ओर मुड़ता, फिर पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व, फिर पूर्व से उत्तर, तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज दिशा होती है। तो दोस्तों, क्लॉकवाइज दिशा में ये आदमी जो होगा हमेशा अपनी दाई ओर मुड़ता रहेगा और जो हमारी वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज दिशा होती है, इसमें हमेशा वो अपनी बाई ओर मुड़ता रहेगा। तो चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न सुलझाएंगे। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि जो आशा है वो 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है, उसके बाद वह दाई ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, वह फिर से दाई ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है और फिर अपनी बाई ओर मुड़ती है और सीधे चलना शुरू कर देती है। तो हमें पता करना है कि अब वो किस दिशा में चल रही है। तो सारे जो डायरेक्शंस के प्रश्न होते हैं उनको सुलझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि आप ऐसा एक कंपस बना लीजिए जो आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशा दिखाएगा, या उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा दिखाएगा, जिससे आपको पता रहे कि कौन सी दिशा कहाँ पे है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सुलझाते हैं। सबसे पहले यह आशा है। अब आशा जो है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो दक्षिण हमारे यहाँ हो गया, तो ये 3 किलोमीटर जो है यहाँ चली साउथ की ओर या दक्षिण की ओर। उसके बाद ये कहते हैं कि वह दाई ओर मुड़ती है। तो अगर ये साउथ की तरफ चली है तो मतलब अगर ये दक्षिण की ओर देख रही है तो इसका जो दायां ओर होगा वो होगा इस ओर। उसके बाद वो 2 किलोमीटर इस ओर चलती है, तो वो कुछ इस तरह आएगा, 2 किलोमीटर वो इस ओर चलेगी, फिर से वो दाई ओर मुड़ेगी। तो अगर वो फिर से दाई ओर मुड़े तो वो इस ओर देखेगी, तो उसके बाद वो 3 किलोमीटर इसी ओर चलेगी। इसका मतलब यहाँ पे वो 3 किलोमीटर चलती है। आप कहते हैं वो कि वो बाई ओर मुड़ती है, तो अब इसका जो बाई ओर होगा वो इस तरफ होगा। तो अगर ये बाई ओर चलेगी तो ये इस तरफ चलेगी। तो अब इनने पूछा है कि वो किस दिशा में चल रही है। तो ये दिशा जो है हमारी वेस्ट या पश्चिम दिशा है, तो हमारा उत्तर होगा डी, पश्चिम। साथियों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह कहता है कि सुरभि का मुंह पूर्व की ओर है, वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है,
फिर वह 145 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ती है। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुरभि की चारों ओर सारी दिशाएं लिख देंगे। अब सुरभि जो है वो पूर्व की ओर देख रही है। अब यहाँ से वो अगर 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी जो होती है क्लॉकवाइज इस प्रकार, तो उसका जो चेहरा होगा वो यहाँ देख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी 100 डिग्री हो गई है। उसके बाद प्रश्न कहता है कि सुरभि 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है। तो वामावर्त दिशा इस प्रकार होती है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो अगर वो इस प्रकार घूमेगी तो मतलब यहाँ से वो 145 घूम रही है, तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो अब सुरभि जो है इस दिशा में देख रही होगी। तो ये दिशा, जैसे कि आप जानते हैं, अगर यहाँ पे वो 100 घूमी है तो ये वाला जो हमारा कोण होगा ये 45 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये दिशा जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा है, जिसे कि हम उत्तर पूर्वी दिशा भी कहते हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी। मित्रों, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह कहता है कि यदि उत्तर को पश्चिम में और पूर्व को उत्तर में बदल दिया जाए इत्यादि, तो पश्चिमोत्तरीय के स्थान में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम सारी दिशाएं बनाएंगे। ये हमारी सारी दिशाएं हैं, ये हमारा उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब अगर ये कहता है, हम फिर से ये सारी दिशाएं बनाते हैं और जो नई दिशाएं हैं उनको लिखेंगे। तो अगर उत्तर को हम पश्चिम में बदलेंगे तो मतलब उत्तर की ओर यहाँ पे पश्चिम आ गया। फिर हम पूर्व को उत्तर में बदल रहे हैं, तो ये जो पूर्व के स्थान है इसमें हमारा जो उत्तर आ गया। और इसी प्रकार अगर हम करते जाएंगे तो हमारा जो दक्षिण है उसकी ओर पूर्व आएगा, और यहाँ पे हमारी पश्चिम दिशा है उसकी जगह दक्षिण दिशा आ जाएगी। तब इनने पूछा कि पश्चिमोत्तरीय के स्थान पे क्या आएगा। तो पश्चिमोत्तरीय दिशा हमारी ये होती है, तो इसके स्थान पे यहाँ पे कुछ ऐसा आना चाहिए। तो ये दिशा जो हमारी होती है उसे हम साउथ वेस्ट दिशा या दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा सी, दक्षिण पश्चिम। साथियों, हमारा जो चौथा प्रश्न है वह कहता है कि चार शहर पी, क्यू, आर और टी हैं। पी के दक्षिण पश्चिम में क्यू है, क्यू के पूर्व में और पी के दक्षिण पूर्व में आर है, और आर के उत्तर की ओर टी है जो क्यू पी के अनुरूप है। पी के किस दिशा में टी स्थित है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी दिशाएं लिख देंगे। अब हम पी जो है वो लिखते हैं। अब पी के जो दक्षिण पश्चिम में क्यू है, तो पी का जो दक्षिण पश्चिम होगा वो इस दिशा में होगा। तो इस दिशा में हमारे पास क्यू है। उसके बाद यह कहता है कि क्यू के पूर्व में और पी के दक्षिण पूर्व में आर है, तो क्यू का जो पूर्व हुआ वो इस दिशा में हुआ, और जो पी है उसका जो हुआ दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व जो होता है हमारा ये दिशा होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आर आएगा। अब प्रश्न कहता है कि आर के उत्तर की ओर टी है, तो उत्तर आर का यहाँ होता है, यहाँ पे हमारा टी है, और टी जो है वो क्यू पी के अनुरूप है, मतलब ये जो रेखा है इस पे पड़ता है, तो टी हमारे यहाँ पे आ गया। तो अब पी के किस दिशा में टी स्थित है? तो ये जो दिशा है हम देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व दिशा है। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा बी। साथियों, हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह कहता है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तो दोस्तों, ऐसे जो हमारे प्रश्न होते हैं इसमें सबसे पहले आप सारी जो जानकारियां दी गई हैं उन्हें एक बार ढंग से पढ़ लें, उसके बाद प्रश्न के मुताबिक जानकारियों को फिर से पढ़ें और प्रश्न को सुलझाएं। तो पहले हम सारी जानकारियों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमें कहता है पॉइंट कि पी, क्यू, आर, एस, टी और यू को उत्तर और दक्षिण की ओर दो पंक्तियों में एक मंजिल पर 6 फ्लैट आवंटित किए गए हैं। उसके बाद क्यू उत्तर की ओर वाला फ्लैट प्राप्त करता है जो एस के बगल में नहीं है। एस और यू को तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं। यू के बगल में आर को दक्षिण की ओर वाला फ्लैट मिलता है। टी को उत्तर दिशा वाला फ्लैट मिलता है।
तुम्हारा प्रश्न पूछा है कि किसका फ्लैट क्यू और एस के बीच में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसे जो है 6 फ्लैट ड्रॉ कर लीजिए। तो जब प्रश्न आएगा तो वहां पे आप ऐसे जो 6 डैश होंगे उनको ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे उत्तर में 3 फ्लैट होंगे और दक्षिण में 3 फ्लैट होंगे। तो हमारा जो ये पॉइंट है ये कहेगा उत्तर में क्यू को एक फ्लैट मिलेगा, तो क्यू को यहाँ पे एक फ्लैट मिलेगा जो एस के बगल में नहीं होगा। तो मतलब अगर क्यू को हम यहाँ लिखेंगे तो ये वाला जो होगा खाली रहना होगा फ्लैट, तो एस इस ओर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट कहता है कि एस और यू को तिरछी विपरीत फ्लैट मिलते हैं। तिरछी विपरीत का मतलब होता है डायगनल फ्लैट। इसका मतलब अगर एस को हमारा जो फ्लैट मिला हुआ है ये वाला, तो इसके डायगनल में जो फ्लैट होगा वो यू का होगा, तो यू का फ्लैट यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो कहता है कि यू के बगल में आर को दक्षिण की ओर वाला फ्लैट मिलता है। तो दक्षिण और मतलब साउथ वाला होता है, तो यू के बगल में आर को मिलेगा, तो आर को हमारा यहाँ वाला फ्लैट मिल सकता है और आर को हमारा यहाँ वाला फ्लैट मिल सकता है। उसके बाद जो है टी को उत्तर दिशा वाला फ्लैट मिलेगा, तो टी को मतलब उत्तर वाला मतलब नॉर्थ वाला फ्लैट मिलेगा। तो यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे हमारे टी को फ्लैट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू को यहाँ वाला नॉर्थ वाला फ्लैट मिलता है, एस को भी नॉर्थ वाला फ्लैट मिलेगा, आर और यू जो है हमारे उनको जो है दक्षिण या साउथ वाले फ्लैट मिलेंगे, और टी को हमारा फिर से उत्तर वाला फ्लैट मिलेगा। तो अगर हम इनको यहाँ पे लिख दें तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी भी आ सकता है और यहाँ पे जो हमारा आर को भी फ्लैट मिल सकता है। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार लिखें कि हमारा जो क्यू है वो इधर आ रहा है और एस को ये वाला फ्लैट मिलता है, तो हमारे यू को ये वाला फ्लैट मिलेगा और फिर यहाँ पे हमारे पी या आर आ सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा पी या आर आ सकता है और ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे टी आएगा। तो दोनों तरीकों में आप देख सकते हैं कि जो है एस और क्यू के बीच में जो फ्लैट है वो सिर्फ टी को मिलता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ए टी। साथियों हमारा जो अगला सेक्शन है वो आपकी वोकैबलरी या शब्दकोश बढ़ाने के लिए है। तो हमारे जो सबसे पहला शब्द है वो है एडवांस्ड। इसका मतलब होता है फार ऑन और अहेड इन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं उच्च, विकसित या उन्नत। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से इस विषय पे आपका जो ज्ञान है वो एडवांस हो रहा है। अब हमारा जो दूसरा शब्द है वो है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब होता है यूज टू शो दैट समथिंग इज ऑलमोस्ट बट नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट और एग्जैक्ट या रफली। हिंदी में जब हम कहते हैं लगभग, करीब करीब से, तो इन शब्दों को हम इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली की जगह कह सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा शब्द है उसका वो है बेनिफिट। इसका मतलब होता है एन एडवांटेज और प्रॉफिट गेन फ्रॉम समथिंग या फायदा या लाभ। तो अगर आपको इस वीडियो देखने से कुछ लाभ हो रहा है या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो ने आपका बेनिफिट किया है। अब मैं कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।